हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मोतीचूर के लड्डू। इसको मैं आज एक नमक के पैकेट से बना के तैयार करने वाली हूँ और ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होने वाले हैं। और बूंदी बूंदी तो हमारी एकदम चंदा सी बन के तैयार होने वाली है। तो चलते हैं इस प्यारी सी रेसिपी को बनाने के लिए। ये मैंने 1.5 कटोरी बेसन ले लिया है, इसमें कलर डाल देंगे, ये फूड कलर होता है। अब इसको पानी डाल के इसका पेस्ट बनाना है, तो मैंने यहाँ पे 1 कटोरी पानी डाल दिया है। यहाँ पे मैंने 1/2 कटोरी पानी और डाला है इसमें। अब इसको मिक्स कर लेंगे। हमको ना इसके जो लम्स होते हैं ना वो सारे निकाल लेने हैं, अच्छे से एकदम स्मूथ पेस्ट बना के तैयार कर लेना है इस तरह का। लेकिन अभी भी ये गाढ़ा है हमारा, तो अभी हमको इसको पतला बनाना है। तो अभी देखो चम्मच पे जितनी कोटिंग हो रही है ना, हमें इतनी कोटिंग नहीं चाहिए। ये गाढ़ा है अभी पेस्ट हमारा, तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी अभी और डाल दूँगी, इसको पतला कर लूँगी। तो हमें ना इस टाइप की कोटिंग चाहिए, देख रहे हो आप चम्मच पे बिल्कुल हल्की सी कोटिंग हो रही है ना, इस टाइप की कोटिंग हमको तैयार करनी है। तो मैंने ये खाली पैकेट ले लिया है नमक का। अगर आपके पास किसी भी चीज़ का खाली पैकेट हो तो आप इसमें यूज़ कर सकते हो। जैसे किनारे पे लाइन होती है ना, हमें ये लाइन नहीं चाहिए होती है, ये एक्स्ट्रा लाइन होती है ना, इसको काट देंगे। ज़्यादा मत काट देना हो वरना आपके फिर बन भी नहीं पाएंगे मोतीचूर के लड्डू। तो यहाँ पर जो किनारे की एक्स्ट्रा लाइन होती है ना, ये पन्नी, इसको काट देंगे। फिर अपना एक छोटा सा कट लगाएंगे, बिल्कुल छोटा सा, आप देख सकते हो ना, बिल्कुल छोटा सा कट लगा के तैयार करा है मैंने, ताकि हमारी बूंदी भी ना बिल्कुल छोटी बने। आपको जिस साइज़ की बूंदी बनानी है ना, आप उतना बड़ा साइज़ इसमें काट सकते हो। आप जो हमारा पेस्ट था ना, वो इसमें भर लेंगे सारा, जितना भी आपका इसमें आए उतना भर लो आप। अब इसको ऊपर से ना अच्छे से कवर करना है, ताकि ये बनाते टाइम ना निकले ना, वरना ना आपका हाथ सारा गंदा हो जाएगा। तो ऊपर से मैंने रबड़ बैंड से कवर कर दिया है इसको अच्छे से, टाइट से। तो भाई यंत्र तो हमारा तैयार हो गया है बूंदी बनाने के लिए, तो इस तरह से हम इसे बूंदी बनाएंगे। बूंदी बनाने के लिए ना आपको कढ़ाई में तेल ज़्यादा रखना है, तभी आपकी बूंदी अच्छी बनेगी। क्योंकि देख रहे हो ना, अगर हम ऊपर से ऐसे बूंदी डालेंगे ना, तो ये जाके एकदम नीचे गिरेगी, तो नीचे गिरेगी ना एकदम ये चिपटी चिपटी सी हो जाएगी, फिर ये गोल गोल नहीं बनेगी। तो तेल हमको ज़्यादा रखना है, तो हमारी एकदम बूंदी ना गोल गोल बन के तैयार होगी। और गैस की फ्लेम हमें रखनी है मीडियम, जिस टाइम हम बूंदी डालेंगे। और बूंदी डालते के साथ ही ना हमको गैस की फ्लेम एकदम लो कर देनी है। और बूंदी बनाते टाइम ना आपको हाथ ना थोड़ा ऊपर रखना है, ऊपर से ही बूंदियाँ डालनी है। और हाथ को ना हिलाते हुए, मतलब चारों तरफ, चाहे तो आप गोल गोल हिलाना, चाहे आप सीधे सीधे हिलाना, लेकिन हिला के बनानी है, ताकि ना बूंदी ना एक दूसरे के ऊपर ना गिरे, लाइन से ना गिरे, वरना ना बूंदी आपकी फिर अच्छी नहीं बनेगी, अलग अलग नहीं बनेगी। आपको गोल गोल घुमाते हुए बूंदी बनानी है। तो बूंदी मेरी तैयार हो गई है सारी, आप देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही है, बिल्कुल छोटी छोटी सी। तो अब हम चाशनी बना लेते हैं। चाशनी के लिए मैंने 1.5 कटोरी चीनी लूँगी, 1 कटोरी मैंने डाल दी है, 1/2 कटोरी और डाल दूँगी। अब इसमें 1 कटोरी पानी डाल दूँगी, पानी आप ज़्यादा मत डालना। ये मैंने फूड कलर डाल दिया, ये किसी भी शॉप में आपको आसानी से मिल जाएगा, ये ऑरेंज फूड कलर है। तो इसको मैं मिला लूँगी अच्छे से, और इसको ना मीडियम फ्लेम पे चाशनी बना के तैयार करनी है ना। चाशनी हमें ना कोई तार वार की बना के नहीं तैयार करनी है, हमें सिर्फ ना चिपचिपी सी चाशनी बना के तैयार करनी है। आप देख रहे हो इसमें कोई भी तार नहीं बन रहा है, हमको ऐसी ही टाइप की चाशनी बनानी है। ये 2 से 3 मिनट के अंदर बन के तैयार हो जाएगी। तो चाशनी मेरी बन चुकी है, अब इसमें अपनी जो बूंदी थी ना वो डाल देंगे सारी। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ऊपर नीचे करके, ताकि चाशनी ना सारी बूंदी में इक्वल अच्छे से जा सके। तो मैं इसको अच्छे से मिला लूँगी ऊपर नीचे करके। तो इस टाइम ना आपको गैस की फ्लेम एकदम लो कर देनी है, और लो फ्लेम पे इसको पकने देना है आराम से। आप ना इसको ढक दें ऐसे, ये जल्दी पक जाएगी और बूंदी हमारी जल्दी सॉफ्ट हो जाएगी। तो अगर आपको चेक करना है ना, तो आप चेक भी कर सकते हो, आप ना इसमें चाशनी ना चेक कर सकते हो। अगर आपकी चाशनी ना गाढ़ी हो रही है ना इस टाइम बनाते टाइम, तो आप ना इसमें थोड़ा सा पानी डाल देना, 2-3 चम्मच, और उसके बाद इसको ढक के पका लेना। इसको बीच बीच में आपको चेक करते रहना है कि ये ढंग से पकी है या नहीं पकी। ये मैंने 1 चम्मच इसमें इलायची पाउडर डाल दिया है। आप चाहो तो ना इसमें अभी घी डाल सकते हो, 4-5 चम्मच आप घी डाल दो इसमें, उससे आपका ना इसमें घी का फ्लेवर अच्छा आ जाएगा और ये बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो अभी मैंने इसको ढक दिया है, क्योंकि अभी पूरी तरह से नहीं पका था। तो अभी मैं इसको ऊपर नीचे से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। कभी कभी ना आपकी बूंदी बनाते टाइम ना वो जो कीप बनाएंगे ना वो अटक जाएगी, तो उसको ना आप काटना मत, उसको आप हल्के से हाथ से ना प्रेस कर देना और दोबारा से बना लेना, बूंदी आसानी से बन जाएगी। और अगर आपका पेस्ट कभी पतला हो जाए ना, तो आप उसमें थोड़ा सा बेसन मिला देना, और उससे ना आपका बेसन ठीक हो जाएगा। तो आपको टेंशन लेने की ना बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके पास ना एक खाली पन्नी पड़ी है ना, तो जैसे मेहंदी की कीप बनती है ना, आप उसको ऐसे कोन टाइप की बना के तैयार कर लेना, ये ना उससे भी बहुत अच्छी बूंदी बन के तैयार हो जाएगी। तो बूंदी को ना आप 1/2 घंटा रेस्ट पे छोड़ दें, उसके बाद इसके लड्डू बनाएं। बूंदी मेरी ठंडी हो गई थी अच्छे से, अब इसके मैं लड्डू बनाना स्टार्ट करूंगी। आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हो, कोई से भी जो आपको पसंद हो। आप चाहें तो इसमें खरबूजे के बीज ना अभी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं इसके अभी ऊपर से लगाऊंगी इस तरह से। आप चाहें तो इसमें अंदर भी डाल सकते हो।
और इसको बनाने में ना आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जब आप लड्डू बनाओगे ना तो वो आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा, तो इससे तो आप टेंशन फ्री रहना। तो मैं अब इसको ना सजाने के लिए ना ये खरबूजे के बीज ऊपर से लगा दूंगी। तो भाई आज के बाद तो आप बाहर से लड्डू बिल्कुल भी नहीं खरीदोगे, क्योंकि जब आप इतने अच्छे लड्डू यार घर में बना लोगे तो क्या ज़रूरत है बाहर से लड्डू खरीदने की। तो इसको मैंने ऊपर से ना नारियल के जो बुरादा होता है ना उससे मैंने इसको सजा दिया है। आप चाहें तो इसको अपनी मर्जी से किसी भी तरह से सजा के तैयार कर सकते हो। मैंने इसको इस तरह से सजा के तैयार करा है और ये खाने में ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे, तो आपको देखने में पता चल रहा होगा ये कितने रसीले बन के तैयार हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे ये। तो अभी मैं इसको आपको तोड़ के दिखाऊंगी। ये देखो इसकी ना एक एक बूंदी अलग हो जाती है एकदम, मतलब बहुत ही यार क्या बताऊँ मैं, इतना टेस्टी लड्डू बन के तैयार हुआ था ये। तो अगर आपको ही मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।